बार गाली देके बात करने से ठीक हो जाता है। बीएससी में बस हम लोग को डोमिनेट रहता है ना। अरे वही सब तो घाट घाट का पानी पीने के बाद आदमी एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ पे सबको बता रहा है कि कैसे। सीधा बात है किया जाता है एमएस ऑफिस में या उस ट्रेनेड में, वहाँ पे लिख देंगे टू बी डैमेज डिपार्टमेंट या भी हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का सीटी स्कैन में विगत 7 महीनों से खराब है, और ये सीटी स्कैन खराब है, कभी कभी एमआरआई भी बीच बीच में खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग केस कर नहीं पाते हैं। हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, और हमको गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है और उस और हम पब्लिक का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ले हम लोग हमसे कोई बातचीत ना हो जाए कि कब तक हम लोग का फुलफिल हो जाए, तब तक रहेगा। तो रिम्स के डायरेक्टर ने कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए हैं, अभी कुछ नहीं बात हुआ है, इससे हड़ताल तोड़ने के पर कोई बातचीत नहीं। वजह देखिए, ये पब्लिक मनी का वेस्टेज कर रही है, कुछ लोगों की साजिश के तहत ये सारा चीज हो रहा है। मेडाल और हेल्थ मैप की जरूरत इस मेडिकल कॉलेज को नहीं थी, जो मेडिकल कॉलेज हर साल 6 से 7 रेडियोलॉजिस्ट अपनी राज्य को दे रहा है, सेवा के लिए अपने देश को दे रहा है, उस मेडिकल कॉलेज को क्या आपको लगता है कि 2 रेडियोलॉजिस्ट बाहर से किराए पे लेने की जरूरत थी, हेल्थ मैप को देने की जरूरत थी? और जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट 20-20 डॉक्टर हर साल नए सरकार को देता है और हमारे समाज को देता है, वो पैथोलॉजी हम मेडाल को क्यों दे रहे हैं? एक मेडिकल कॉलेज में जब मेरे पास सफिशियंट मैन पावर है, तो ना ही हमें रेडियोलॉजी का केस दूसरे को देने की जरूरत है और ना ही पैथोलॉजी का केस दूसरे को देने की जरूरत है। इससे मरीजों को भी फायदा है, क्योंकि हमारे डॉक्टर ज्यादा वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो ज्यादा केस देखते हैं, तो उनको ज्यादा जानकारी होती है। और दूसरी बात है कि पैसा, सरकार का जो पब्लिक मनी है उसका भी वेस्टेज है। जो भी जांच हम फ्री करवाते हैं या पैसे से करवाते हैं, तो हेल्थ मैप उसका पैसा रिम्स से लेती है और मेडाल भी लेती है, तो वो पैसा अगर हमारे यहाँ ये सारी जांचें होंगी तो वो पैसा सरकार का बचेगा, और सरकार इसको कहीं सुदूरवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा सेवा को ऊपर ले जाने में इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए जनहित में और हम चिकित्सकों के हित में ये जरूरी है कि ये दोनों प्राइवेट कंपनियां जो रिम्स में कार्यरत हैं, इनको तत्काल यहां से हटाया जाए, यही हमारा मांग है, और हम इनको पूर्णतः समर्थन देते हैं। क्योंकि जब ये सीटी और एमआरआई करेंगे नहीं, सीटी स्कैन एमआरआई, तो ये हमारे अच्छे चिकित्सक बन ही नहीं पाएंगे, समाज को अच्छा सेवा नहीं दे पाएंगे। तो समाज के लिए, इनके भविष्य के लिए, कॉलेज के भविष्य के लिए, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ की पीजी सीट्स को भी घटा देगी आने वाले समय में, अगर हमारे यहाँ जांच कम होगा तो। ये भी एक क्राइटेरिया, यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं रेडियोलॉजी में ऑलमोस्ट 16 रेसिडेंट्स हैं, और बाकी 450-450 जो रेसिडेंट्स हैं रिम्स के पीजी, वो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे हम इनके साथ आंदोलन को और तेज करेंगे।